हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स चैप्टर नंबर 7, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इससे पहले हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दैट अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही, आंसरेबल। इफ द गवर्नमेंट हैज डन समथिंग तो वो उसका जवाब देगी कि उसने क्यों किया है। इफ इन केस इट इज रॉन्ग या आप कोई सवाल या जवाब उससे करते हैं तो गवर्नमेंट आंसरेबल रहेगी आपको कि व्हाई ही हैज टेकन सो एंड सो स्टेप्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे अबाउट रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इन दिस लेक्चर। सी, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट मीन्स इट इज, डोंट गेट कंफ्यूज विद अकाउंटेबल गवर्नमेंट। मोर और लेस टीचर्स जो है आपसे वही बात रिपीट करेंगे, वही दोहराएंगे, पर दोनों चीजें एक नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्या है कि वोटिंग से पहले, इलेक्शन से पहले सरकार आपसे जो वोट मांगने आती है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपसे वादे करती है, आपसे आपकी डिमांड्स पूछती है, आपकी नीड्स पूछती है, आपके एक्सपेक्टेशंस पूछती है, आपके एस्पिरेशंस पूछती है। तो नाउ इन आपने उनको वोट करके इलेक्ट कर दिया है तो ये उनका रिस्पॉन्सिवनेस है, ये उनकी एफिशिएंसी है, या मैं कहूँ तो दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू यू। उनको आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आई हैव रिटन इन द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, when it responds to the demands of the public then you will say कि it is responsive government। कई बार बच्चे confused हो जाते हैं कि मैम accountability में भी तो यही था कि पहले उन्होंने कुछ किया और फिर उनको उसका जवाब देना है, पर यहाँ जवाब नहीं देना है। यहाँ पे जिस उम्मीद से आपने उस कैंडिडेट को खड़ा किया है, अब वो समय आ गया है कि वो कैंडिडेट वही काम करे जिस उम्मीद से आपने उसको रखा है। रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स का मतलब जरूरतों का ख्याल रखना, जैसे कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क खराब है, इन्हीं मुद्दों से वो आए थे, इन्हीं मुद्दों से आपने उनको वोट दिया था और वो इन्हीं मुद्दों को पूरा कर रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, साथ में ये ब्रैकेट में देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्पॉन्सिबनेस रहती है टुवर्ड्स द पीपल एंड टुवर्ड्स द पार्लियामेंट ऑल्सो। पार्लियामेंट मीन्स कि जितने भी एजेंडा है, जो भी लिमिटेसी है उसको वो पूरा करेंगे। लिमिटेसी क्या होती है, नेक्स्ट लेक्चर का ये सब्जेक्ट है, हम वहीं डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड टेक केयर ऑफ द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आपके नीड्स की, आपके एक्सपेक्टेशंस की टेक केयर करें। ओके, थर्ड देखिए, ओपन पब्लिक डिबेट्स, फ्री ऑफ करप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक डिबेट्स होने चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको क्या करना है, पब्लिक की डिमांड क्या है, तो पब्लिक डिबेट्स होनी चाहिए। उसको कभी भी किसी को, अगर कोई क्रिटिक है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ये नहीं होता कि सेंसरशिप लगा दे कि आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जैसे कि हिटलर के जमाने में होता था कि जो कर दिया वो ठीक है, जो नीड हो गई वो ठीक है। नहीं, डिबेट्स जब होती है तब पता चलता है, तब चीजें निकल कर आती हैं कि यस एक्चुअल तो ये नीड है पब्लिक की, या एक्चुअल तो ये एक्सपेक्टेशन है, हमें ये करना है, हमें यहाँ काम करना है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ नहीं है। और ये करप्शन फ्री होना चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम आपको तभी रिस्पॉन्ड करेंगे जब आप हमें पैसे भर दोगे। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑफ द गवर्नमेंट दैट दे नीड टू बी करप्शन फ्री इन द नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज कि यहाँ पे भी आरटीआई अपना रोल प्ले करता है। मैंने अकाउंटेबिलिटी में भी बताया था कि आरटीआई का रोल प्ले होता है, यहाँ पे भी होता है, क्योंकि उसने क्या किया है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी में भी अगर कोई स्टेप लिया है, आरटीआई से पता कर सकते हैं आप। रिस्पॉन्सिवनेस में अगर आपके लिए, आपकी नीड्स के हिसाब से कुछ किया गया है तो आप उसकी पूरी जानकारी आरटीआई से ले सकते हैं। तो आरटीआई दोनों केसेस में यहाँ पे वैलिड, अपनी वैलिडेशन प्रूव कर रहा है। आई होप इतना मुश्किल ये टॉपिक नहीं था, इट इज वेरी इजी। पर हाँ, साथ में अगर पढ़ाया जाए अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस तो कहीं ना कहीं पहली बार पढ़ने और समझने में बच्चे फ्लिप कर सकते हैं, पर अब कोई फ्लिपनेस का सवाल नहीं है। इवन देन अगर है, अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल कंप्लीटली रिजॉल्व योर क्वेरीज।
एक बार मैं जल्दी जल्दी फिर से आपको पूरा रिकैप करवा देती हूँ व्हाट वाज देयर इन द लेक्चर. हमने यहाँ पढ़ा कि रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है बच्चों जो कि नीड्स को, पीपल की नीड्स को रिस्पॉन्ड करती है, पब्लिक की ओपिनियन को शेप देती है, उनकी जरूरतों का ख्याल रखती है, उनकी जरूरतों को पूरा करती है. जो वो पहले वादे या प्रोमिसेस कर आई है, अब ये टाइम है कि वो उनको रिस्पॉन्ड करे, पीपल को रिस्पॉन्ड करे. रिस्पॉन्ड क्या होता है? रिस्पॉन्ड ये होता है कि अगर मैंने आपसे कुछ पूछा तो आप उसी का जवाब दें. दिस इज रिस्पॉन्सिवनेस. ओके, या मैंने आपसे कुछ मांगा तो आपने फट से मुझे दे दिया. रिस्पॉन्सिवनेस तो इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. मतलब पब्लिक की जो ओपिनियन थी, जो सोच थी, अब उसको उतारना है, अब उसको ढालना है. दैट मीन्स गिविंग अ शेप. ओके, एंड टेकिंग टेक केयर ऑफ देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस. क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड. टेक केयर ऑफ नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, देन ओपन पब्लिक डिबेट्स एंड फ्री, दैट टू फ्री ऑफ करप्शन. दिस इज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. आरटीआई टू प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल हियर. तो आई होप दिस सेशन इज क्लियर टू यू. स्टे इन टच. अभी ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है. स्टिल वी आर लेफ्ट विद लिमिटेड गवर्नमेंट, एंड लिमिटेड गवर्नमेंट ट्रस्ट मी इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले लेक्चर में भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ. सब्सक्राइब कर लीजिए. लाइव लेक्चर्स होंगे, लाइव सेशंस होंगे, वहाँ पे हम बैठ के डिस्कशंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो, और एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी डिस्कशन भी होगा, जैसे कि पहले भी हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज के चैप्टर पर. सो डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी. दिस इज फॉर द डे.